हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियोस। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेरा स्टूडियो सेटअप टूर, जो कि मेरा होम स्टूडियो है, होम सेटअप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी सामान हुए यहाँ पर रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले बताऊँ, ये मेरा एक HP का मॉनिटर है, जो कि HP 22ES है, जो कि काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। उसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, जिसको मैंने लगभग जब मैंने लिया तो ये लगभग 22,000 का पड़ा। और मैं जो डॉज यूज़ करता हूँ वो एप्पल स्टूडियो 11 और 12 दोनों यूज़ करता हूँ मैं। ओल्ड भी पसंद है और नया वर्जन भी पसंद है, लेकिन ओल्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये मेरा होम थिएटर टकाई का है। इससे मैं मास्टरिंग तो करता नहीं, लेकिन जब सॉन्ग में से कोई ट्रैक जब बन जाता है, बनने के बाद मैं इस पर एक बार सुन लेता हूँ कि वो जो बेस वो कैसा आ रहा है। ज़्यादा ओवर तो नहीं है, ये हमारा आर्जेंट म्यूज़िक, तो वो करता हूँ। और मैं जो मास्टरिंग जो करता हूँ, मैं करता हूँ वो HP के हेडफोन से करता हूँ, जो कि आगे अभी मैं दिखाऊँगा आपको। और मैंने ज़्यादा इसमें अकोस्टिक ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं किया हुआ है, जितना हो सके मैंने थर्माकॉल ही यूज़ किया है। ये मेरा माइक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने BM 800 को यूज़ किया हुआ है। साथ में मेरा हेडफोन है, स्टैंड है और पॉप फिल्टर। तो ये हमारा BM 800 पॉप फिल्टर। और जो हेडफोन की जो बात कर रहा था मैं, वो ये है हेडफोन हमारा का HD 206, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये कोई मास्टरिंग के बेस पे नहीं है, लेकिन अच्छा हेडफोन है। और ये मेरा एक्सटेंशन वायर है, जो कि मैंने अपने हेडफोन को वहाँ तक लाने के लिए किया है, स्टैंड तक लाने के लिए। और ये हमारा स्टैंड है। और ऑक्स केबल मैंने जो है मैनुअली बनवाया है। और ये हमारा थर्माकॉल है, जो कि मैंने अपने जस्ट माइक के सामने लगाया, ताकि कोई भी आवाज़ रिफ्लेक्ट ना करे। हालांकि वो उतना अच्छा ये वर्क नहीं करता, बट इतना है कि आपका काम इससे हो जाएगा। आपको महंगे महंगे सामान लेने की ज़रूरत नहीं, जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप उसको भी हायर कर सकते हैं। सो मैंने पीछे भी किया हुआ है, सामने भी, और पीछे सिर्फ इसी एरिया में किया है, बाकी कहीं नहीं किया। और ये चेयर से मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और साथ में जैसे कि कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे कि डिस्कशन करना ही पड़ता है, जैसे नॉर्मली कभी कभी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आते, नॉर्मली डिस्कशन करते हैं। और ये मैंने कारपेट नीचे में जो बैठा हुआ है, तो बेसिक वाले जो हम स्टेज में जो नॉर्मली देखते हैं। और ये है मेरा मास्टर, ये मेरा मास्टर मतलब ये मेरा बॉस है, इसके बिना मेरा कोई काम नहीं होने वाला। ये हमारा जो बेरेंगर का UM2 है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑडियो इंटरफेस है। और आप अगर एक बिगिनर हैं और अभी भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हो या फिर आप यूट्यूब पे कवर सॉन्ग डालते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा माइक, जिसके आपको मैंने दिखाया, ये लगभग मुझे पड़ा है, ये जो एक्सटेंशन केबल है लगभग मेरे को 200 के आसपास पड़ा है। और ये जो है, मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और अनबॉक्सिंग भी ऑलरेडी मैंने डाल दिया अपने चैनल पे, ठीक है। और मैं लगभग मेरे को ये लगभग 1200 के आसपास पड़ा है मेरे को। और ये कंप्लीट सेटअप है हमारा, ये मैंने ऊपर भी, ये मैंने थोड़ा बहुत ये जो थर्माकॉल, थोड़ा बहुत नहीं, मैंने पूरा थर्माकॉल यूज़ किया है। इससे दो फायदे होते हैं मुझे, एक थोड़ा सा इको जो है कम हो जाता है, जो रिवर्ब होता है वो कम हो जाता है, और दूसरा कि ऊपर से जो हीट जो आते हैं, जो गर्मी जो आती है वो रुक जाती है, तो उससे मुझे क्या काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और टेबल फैन तो मैं ऑलरेडी यूज़ करता ही करता हूँ, तो काफ़ी कुछ मेरा इससे हो जाता है। सो ये था मेरा एक बेसिक होम सेटअप, बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा सेटअप है। और हमारा एक आर्जेंट म्यूज़िक करके एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जिसपे मैं अपने एल्बम्स डालता हूँ, तो आप चेकआउट कीजिए यूट्यूब पर।